हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपके लिए ट्रस्ट का नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ए कैंटीलीवर ट्रस इज लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन ऑल दी मेंबर्स। जब भी ये लिखा रहता है तो अपन को पता है, जब भी अपन को एक्सियल फोर्सेस सारे मेंबर्स में निकालने हैं तो अपन को मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई ही करना है। अपन मेथड ऑफ जॉइंट्स ही अप्लाई करते हैं ज़्यादातर। अपन को बोला जाए ऑल दी मेंबर्स में निकालने हैं अपन को एक्सियल फोर्सेस, तब अपन क्या अप्लाई करेंगे? मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई करेंगे। सो मेथड ऑफ जॉइंट्स में भी अपन को ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो क्या हो, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हो, सिर्फ यहाँ पर दो एक्सियल फोर्सेस लग रहे हो। एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा एफ वाई इक्वल टू 0, अपन दो ही अननोन फाइंड कर सकें। सो अपन ने देखा सी पॉइंट, 1 2 3 चार, चार फोर्सेस। डी पॉइंट देखेंगे, 1 2 3 फोर्सेस। ए बी पॉइंट सरफेस फोर्सेस है, अपन मैक्सिमम टाइम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं सरफेस फोर्सेस को, अपन पहले नहीं लेते हैं। ई पॉइंट को देखा, एक फोर्स दो फोर्स, और ये तो एक्शनल फोर्स है, इसको तो अपन मानेंगे नहीं इक्वेशन में। एक फोर्स दो फोर्स, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो अपन मेथड ऑफ जॉइंट्स में अपन सबसे पहले पॉइंट लेंगे ई पॉइंट, क्योंकि इसमें दो इक्वेशन अपन बना सकते हैं, ये तो एक्शनल फोर्स है, अपन इसको उस तरीके से तो कंसिडर करेंगे नहीं। सो अपन ले लेते हैं सबसे पहले जॉइंट ई। सो जॉइंट ई पर अब देखिए, अपन को ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल कितना है ये पता है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर दिख रहा है ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। सो और अपन बनाने की कोशिश करें, 1 मीटर 2 मीटर है ये 90 है। सो ये क्या है अपने पास, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बेस दिया है, तो कौन सा रिलेशन लगा दें, टेन लगा लेते हैं इसको, एंगल को थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस 1/2। टेन थीटा में, टेन में 1/2 का कोई एंगल होता है? नहीं होता है, तो अपन तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 1 प्लस 4 5, और जो स्क्वायर था वो अंडर रूट कर देगा इसको। सो अपन साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स करने में इस वाले फोर्स के, जो ये फोर्स लगेगा एफ डी ई, इसको कंपोनेंट करने में मदद मिलेगी। सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सो 1/√5। कॉस थीटा एंगल कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, सो बेस अपन हाइपोटेनियस कितना हो गया 2/√5। ठीक है, तो जॉइंट ई पर अप्लाई करते हैं अपन मेथड ऑफ जॉइंट्स। सो जॉइंट ई पर एक तो देखिए, मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस ये मान लेता हूँ, वाई एक्सिस ये मान लेता हूँ पॉजिटिव, एक्स एक्सिस ये मान लेता हूँ पॉइंट पॉजिटिव, वाई एक्सिस ये मान लेता हूँ, तो जो हो गया ई। इस पर एक तो लग रहा है 1 किलो न्यूटन का फोर्स, एक इधर लगेगा एस सी ई। मैं मैक्सिमम टाइम हमेशा एक्सियल फोर्स ही लेके चलूँगा, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। सो पॉइंट से जब खींचता है तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स होता है, तो ये 1 किलो न्यूटन। अब ये अपने पास कुछ एंगल पर लग रहा है एफ ई डी, एफ ई डी अपना कुछ एंगल पर लग रहा है, जो कि ये थीटा एंगल था, तो अपन ने मान लिया इसको एक्स एक्सिस, उसको मान लो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके सो ये कितना हो गया, इसका एफ ई डी परपेंडिकुलर हो गया, ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट बनाएंगे अपन। सो अपन डेल एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। सो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, जो कि माइनस एफ सी ई, और जो एफ ई डी का लगेगा, एक जो थीटा है और जो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स कंपोनेंट लगेगा, जो कि क्या होगा, इधर जाएगा एक्स कंपोनेंट इसका, एफ ई डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसका इधर जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस एफ ई डी कॉस थीटा, ये हो गया एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, और ये तो वाई एक्सिस में है,
और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू जीरो। सो एफ सी ई माइनस एफ ई डी, कॉस थीटा कितना था अपने पास, यहाँ पर निकाला था अपन ने टू अपॉन रूट फाइव, टू अपॉन रूट फाइव इक्वल टू जीरो। सो एफ सी ई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ई डी टू बाय रूट फाइव। पहली इक्वेशन से ही आ गया डेल एफ वाई इक्वल टू जीरो। सो डेल एफ वाई अपन इक्वल टू जीरो करेंगे, सो क्या क्या आएगा अपने पास, एक तो ये जा रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, वन किलोमीटर है, मैं वन ही ले लेता हूँ इसको वन, एक ये कंपोनेंट है ना सॉरी एक ये फोर्स है और एक इसका कंपोनेंट आएगा एफ ई डी साइन कंपोनेंट आएगा साइन थीटा वाला जो कि पॉजिटिव में है, तो प्लस के एफ ई डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। सो वन प्लस एफ ई डी साइन थीटा अपने पास कितना आ गया था, यहाँ पर अपन निकाला था वन अपन रूट फाइव, सो वन अपॉन रूट फाइव इक्वल टू जीरो। एफ ई डी कितना आ गया अपने पास, एफ ई डी आ गया अपने पास, इसको साइड ले जाओ माइनस वन, वन अपॉन रूट फाइव था, सो एफ ई डी, एफ ई डी अपने पास आ जाएगा माइनस रूट फाइव, माइनस रूट फाइव आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ एफ ई डी रूट फाइव और नेगेटिव टाइम मतलब कि कंप्रेसिव फोर्स है, तो कंप्रेसिव फोर्स ये आ गया। अब एफ ई डी आ गया, अपन इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपने पास एफ सी ई फोर्स आ जाएगा। सो एफ सी ई फोर्स क्या अपने पास, यहाँ पर माइनस टू बाय रूट फाइव एफ ई डी अपने पास ये फोर्स है। सो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे एफ ई डी की वैल्यू। सो एफ ई डी की वैल्यू ये नहीं है कंप्रेसिव, ऐसा नहीं लेना अपन को कि पॉजिटिव वैल्यू है, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है नेगेटिव साइन कंपोनेंट जो नेगेटिव साइन के साथ है वही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ये तो उसका डायरेक्शन था कंप्रेसिव, इसलिए अपन ने ऐसा ले लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस रूट फाइव है, तो यहाँ पर अपन रख देंगे माइनस रूट फाइव, रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एफ सी ई फोर्स कितना आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस टू किलो न्यूटन, और जी भी अपना कितना था रूट फाइव किलो न्यूटन कंप्रेसिव। तो अपन इसका रूट फाइव की वैल्यू कितनी होती है, रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.236, 2.236 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। और ये क्या है, ये भी अपना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 2 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स। सो अपने पास एफ ई डी आ गया, एफ सी ई आ गया, अपने पास दो फोर्सेस आ गए हैं एफ। सो अपने पास दो फोर्स आ चुके हैं एफ ई डी एफ सी ई। अब अपन और फोर्सेस निकालते हैं, ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पर सिर्फ दो ही इक्वेशन बन रही हूँ। सो सी पॉइंट नहीं ले सकते, एक दो तीन, ये तो भले ही एक्स ये अपना किसकी तरह वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये अपना फोर्स पहले से ही फाइंड आउट है। तीन फोर्सेस नहीं ले सकते, यहाँ पर देगा ये एक्सटर्नल फोर्स की तरफ वर्क करेगा, पहले से फाइंड आउट है एफ सी एफ ई डी। तो एक दो, ये दो फोर्सेस हैं, तो इसको अपन ले सकते हैं बिल्कुल दो पॉइंट की तरह। सो डी पॉइंट अपने लिए बिल्कुल सही है, तो अपन ले लेंगे डी पॉइंट को। सो जॉइंट डी, इसको कंसिडर करना बिल्कुल सही रहेगा। सो जॉइंट डी ऐसा है, इसमें एक लग रहा है एक्स ऐसा फोर्स एफ सी डी, एक ऐसा फोर्स लग रहा है एफ बी डी, और एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि ये तुम्हारा कितना था एफ ई डी, एफ ई डी, और ये एंगल कितना था, जब ये अपना थीटा एंगल था ये थीटा, तो ये भी थीटा जेड बना रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा एंगल हो गया। सो अपन बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं अपन वाई एक्सिस। सो ये तो पहले से फाइंड आउट है, कितना था ये एफ ई डी अपने पास था रूट फाइव,
माइनस रूट फाइव था ना, पहले से फाइंड आउट है। तो अपने पास दो एक्सियल, दो है फोर्सेस अपने पास एक्सियल फोर्सेस, तो अपन क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाएंगे, लगा सकते हैं दो इक्वेशन के लिए। तो डेल एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, सो एक्स में क्या है जी, माइनस एफ बी डी, नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स के, तो माइनस एफ बी डी, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एफ ई डी, ये इधर ये इधर, एफ ई डी कितना आ गया था अपने पास, एफ ई डी अपने पास था माइनस रूट फाइव था, एफ ई डी अपने पास माइनस रूट फाइव था, तो उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पर कितना होगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो प्लस एफ ई डी कॉस थ्रीटा इक्वल टू जीरो। सो एफ ई डी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, यहाँ पर दिख रही है माइनस रूट फाइव है, माइनस रूट फाइव, और ये सेम है थ्रीटा एंगल, ये वही ट्रायंगल बनना है, सिमिलर ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अपन ने कंपोनेंट निकाल लिए थे जो साइन थीटा कॉस थीटा वही लेंगे, कॉस थीटा टू बाय रूट फाइव, साइन थीटा वन बाय रूट फाइव, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं कॉस थीटा अपना टू बाय रूट फाइव है और अपना साइन थीटा है वन बाय रूट फाइव, तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना है टू बाय रूट फाइव, टू बाय रूट फाइव, इससे रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल, जी कितना है माइनस एफ बी डी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एफ बी डी कितना आ गया अपने पास, इसको उस साइड ले जाएंगे और नेगेटिव साइन के साथ माइनस टू किलो न्यूटन, सो नेगेटिव साइन क्या होता है कंप्रेसिव क्या कहलाता है, तो टू किलो न्यूटन कंप्रेसिव। अपन क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, तो वाई डायरेक्शन में एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, डेल एफ वाई इक्वल टू जीरो, सो एक तो ये फोर्स लग रहा है एफ सी डी और इसका वाई कंपोनेंट लगेगा, सो प्लस एफ सी डी, और इसका पॉजिटिव में ही जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में ही जा रहा है, तो प्लस एफ ई डी, इसका साइन कंपोनेंट साइन थीटा इक्वल टू जीरो, सो एफ सी डी, एफ ई डी कितना आपके पास माइनस रूट फाइव है, साइन थीटा कितना आपके पास वन बाय रूट फाइव है इक्वल टू जीरो, तो इससे ये कैंसिल, एफ सी डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, एफ सी डी आ गया अपने पास वन किलो न्यूटन, अपन इसलिए सारे ले रहे हैं क्योंकि ये किलो न्यूटन में ही दिया था सारे फोर्स, सारे अपन ने दिया था ना यहाँ पर वन किलो न्यूटन, जो अपना किलो न्यूटन में था, तो बाकी सारे भी अपने किलो न्यूटन में निकलते जाएंगे, तो यह आया अपने पास वन किलो न्यूटन टेंसाइल, क्योंकि पॉजिटिव टेंसाइल होता है, दो फोर्सेस और निकल गए अपने, एफ सी ई निकल गया था, एफ डी ई निकल गया था, अब एफ सी डी भी निकल गया और एफ बी डी भी निकल गया। अब आते हैं जॉइंट सी पर, जॉइंट सी पर अब जे फाइंड आउट है पॉइंट, ये भी पहले से फाइंड आउट है, तो एक्सटर्नल फोर्स की तरफ वर्क करेंगे, तो एक दो, तो ये किसकी तरफ वर्क करेगा, जॉइंट अपन मेथड जॉइंट्स लगा सकते हैं क्योंकि टू अननोन्स हैं, सो अपन लगा देते हैं जॉइंट सी ले लेते हैं अपन, तो जॉइंट सी पर कैसे कैसे फोर्सेस हैं, जॉइंट सी पर है अपने पास, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, जॉइंट सी इस पर एक लग रहा है ऐसे फोर्स एफ सी ई, एक लग रहा है ऐसे फोर्स एफ सी डी, एक लग रहा है ऐसे फोर्स एफ ए सी, और एक लग रहा है एफ बी डी, इस तरीके से एफ बी डी एक तरीके से इस तरीके से लग रहा है अपने पास फोर्स, सो अपन को दिखाई दे रहा है ये वाला अपना फाइंड आउट है पहले से ही एफ सी ई, ये वाला फाइंड आउट अपने पास पहले से ही एफ सी डी, दो फोर्सेस हैं, तो यही अपने अननोन्स हैं, तो अपन को दिख रहा है ये टू मीटर की दी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी थी टू मीटर की, ये डिस्टेंस कितनी थी अपनी वन मीटर की, सो टू मीटर वन मीटर, सिमिलर ट्रायंगल बन गया इसकी तरह टू मीटर वन मीटर, तो ये भी एंगल कितना हो गया थ्रीटा हो गया, इस तरीके से ये थ्रीटा एंगल हो गया, ठीक है। अपन करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट सप्लाई, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू जीरो फर्स्ट कंडीशन, सो अपन इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, सो डेल एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पॉजिटिव में प्लस के एफ सी ई, एक अपना लग रहा है इधर नेगेटिव में माइनस एफ ए सी, एक इसका कंपोनेंट आएगा एफ बी डी का, कौन सा कंपोनेंट आएगा जी थीटा इस तरफ है ना,
ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स की तरफ कंपोनेंट है, ये एक्स एक्स एक्सिस पे है तो ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, तो क्या आएगा जी, एफ बी डी कॉस थीटा कंपोनेंट, वो भी क्या है अपोजिट एक्स डायरेक्शन में, तो नेगेटिव माइनस एफ बी डी कॉस थीटा, और कोई है फोर्स नहीं है, इक्वल टू जीरो। सो एफ सी ई अपन ने फाइंड आउट कर लिया था, कितना था एफ सी ई अपने पास, 2 किलो न्यूटन था, 2 किलो न्यूटन था पॉजिटिवली, सो 2। एफ ए सी कितना है अपने पास, एफ ए सी अपन को फाइंड आउट करना है, और एफ बी डी अपन को फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा कितना था अपने पास, ऊपर देखा था अपन ने 2/√5 था, तो 2/√5 इक्वल टू ज़ीरो। सो अपन क्या करते हैं, इधर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एफ ए सी प्लस एफ बी डी 2/√5 माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। सो एफ ए सी प्लस एफ बी डी 2/√5 इक्वल टू 2, जो पास बन गई एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं, डेल एफ बाई इक्वल टू 0। सो डेल एफ बाई इक्वल टू 0 करेंगे अपन, एक इधर लग रहा है फोर्स एफ सी डी, और कोई सा फोर्स है, एक इसका कंपोनेंट लगेगा एफ बी डी का, सो प्लस के एफ सी डी, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, वाई कंपोनेंट एफ बी डी साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है वाई में, तो प्लस एफ बी डी साइन थीटा, एफ बी डी साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका ये आ गया कंपोनेंट, और ये पॉजिटिव में था ही। सो एफ सी डी अपने पास कितना था, एफ सी डी पॉजिटिव का 1 किलो न्यूटन था, सो 1 प्लस एफ बी डी फाइंड आउट करना है, साइन थ्रीटा कितना था अपने पास, यहाँ पर देखा था अपन ने 1/√5 था, 1/√5 इक्वल टू 0। सो एफ बी डी 1/√5 इक्वल टू -1, एफ बी डी आ गया अपने पास -√5 किलो न्यूटन। सो नेगेटिव कंपोनेंट है ये, नेगेटिव है तो मतलब कि √5 किलो न्यूटन ब्रैकेट में कंप्रेसिव। अब अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें एफ बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ ए सी आ जाएगा अपने पास। सो एफ बी डी की वैल्यू क्या अपने पास, -√5 है, सो एफ ए सी प्लस एफ बी डी की वैल्यू कितनी है, √5 है ना, √5 इंटू 2/√5 इक्वल टू 2, इससे ये कैंसिल, एफ ए सी प्लस 2 इक्वल टू 2, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, उस साइड जाएगा 2 - 2 0, सो एफ ए सी आ गया अपने पास 0, 0 किलो न्यूटन टेंसाइल। सो अपने पास और कोई फोर्स बचा है, देख लेते हैं, अपन ने एफ डी ई निकाल लिया, अपन ने इसमें एफ बी डी निकाल लिया, कितना आ गया 2/√5 आ गया अपना एफ बी डी, एंड एफ सी डी अपन ने निकाल ही लिया इसमें 1 किलो न्यूटन टेंसाइल, और एफ सी ई निकाल लिया अपन ने, एफ सी ई अपन ने यहाँ पर निकाल लिया था 2 किलो न्यूटन, एफ बी सी सी पॉइंट से अपन ने एफ बी सी निकाल लिया था, एफ बी सी ओ सॉरी एफ बी सी है, सॉरी दोस्तों, ये एफ बी सी पॉइंट है, सब जगह करेक्शन करना पड़ेगा, एफ बी सी है ये, और यहाँ पर भी ये एफ बी सी ही है, सॉरी सारा करेक्शन करना पड़ेगा, एफ बी सी
बाकी वैल्यू सारी सही है, वो थोड़ा नेम लेने में गलत हो गया। ये एफ बी सी था, ये वाला फोर्स एफ बी सी था, क्योंकि एफ एफ बी डी तो अपन ने डी पॉइंट ही निकाल लिया था, 2 किलो न्यूटन माइनस 2 किलो न्यूटन था, तो अपना जो तो अपन एफ बी डी तो पहले ही निकाल चुके थे। तो जब एफ बी सी था, एफ बी सी फोर्स 2.5 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, एफ ए सी 0 किलो न्यूटन टेंसाइल, एफ ई डी आ गया अपने पास 2 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, जब अपने पास आ गया 2 किलो न्यूटन टेंसाइल एफ सी ई, एफ ई डी है 2.236 किलो न्यूटन कंप्रेसिव एफ सी ई, तो अपने पास सारे फोर्सेस आ गए, सी ई आ गया, ई डी आ गया एंड बी डी आ गया और सी डी आ गया और ए सी आ गया और बी सी आ गया, सारे फोर्सेस हो गए। तो यहाँ पर अपना कोर्स, यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और मैं आपके लिए और आगे और प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा ट्रस्ट के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक लिए बाय।